तस्वीरों में दिखाई दे रहे बुजुर्ग का नाम डॉक्टर एस के अग्रवाल है, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हैं। बीती शाम इनके घर की डोरबेल बजी। जब इनकी धर्म पत्नी ने जाकर बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और जैसे ही अंदर घुसी तो सामने एक नकाबपोश था जिसने पिस्टल दिखाकर बुजुर्गों को डराने की कोशिश की। लेकिन बुजुर्ग एस के अग्रवाल ने हार नहीं मानी तो बदमाशों से भिड़ गए। इस दौरान बदमाश ने बुजुर्ग के शरीर पर कई हमले किए और आखिर में दोनों बुजुर्ग दंपत्ति ने आरोपियों को किसी तरह घर से बाहर धकेल दिया। सायंकाल का 8:30 बजे था और हमारे घर के बाहर किसी ने घंटी बजाई तो मैडम गई बाहर देखने, तो कोई बंदा ही नहीं था। घंटी बजे तो, लेकिन घर जैसे मैडम वापस आई तो एक जवान लड़का था, उम्र होगी 24-25 साल, लेकिन उसका सारा कुछ फेस कवर था और सर में भी सब डाटा टाइप बांधे हुए था, केवल उसकी छोटी सी आंखें दिख रही थी और कुछ नहीं था। और जैसे ही मैडम अंदर घुसी उसने मैडम को बेडरूम की तरफ धक्का दिया। मैं बेडरूम में था तो मैं एकदम आगे को आया तो मेरे को बोला आप मेरे पास मत आइए, और उसने अपनी पिस्टल तान दी मेरी तरफ और बोला गोली मार दूँगा। अब मेरे दिमाग में दौड़ा इसने गोली तो मारी देनी, क्या मरना तो है, तो मैं भी इन्हें थोड़ा सा एक झपट्टा सा मारा और उसके पिस्टल के ऊपर हाथ मारा मैंने, तो थोड़ा सा पिस्टल मेरे ग्रिप में आया, लेकिन वो हमारे से तो तगड़ा था ही, उसने छुटा लिया मेरे से। फिर गुत्थम गुत्था होने लगी, उसने मेरे यहाँ बहुत बट मारी। मैं स्वेटर पहने हुआ था इसलिए ज़्यादा असर तो यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद उसने मेरे मुंह पे मारना शुरू करा बट, कई बार बट मारे, फिर भी मैं भी थोड़ा गुत्थम गुत्था करता रहा, मारता रहा, लेकिन मेरी मार कोई खास मार तो थी नहीं, लेकिन जब मैं उसको, लेकिन मेरी कोशिश थी उसको किसी तरीके से बाहर करूं, तो मैं बेडरूम में से निकाल के लॉबी के थ्रू गेट के पास किसी तरीके से लाया, तो आखिरी बट जो उसने मुझे मारा यहाँ पे वो बहुत सख्त तरीके से मारा और मेरी नाक से और यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तब मेरा नर्वस सिस्टम लूज हो गया एकदम, लेकिन मैं उसको बाहर करने में फिर भी कामयाब हो गया। और फिर मैडम ने एकदम उसके चटकनी अंदर से लगा के दरवाज़ा जाली का भी और लकड़ी वाला दोनों बंद। बराबर में मैडम उसको कुछ शोर सा सुनाई पड़ा बेचारी उतनी, तो उसको भागते देख लिया उन्होंने, हमने नहीं दिया, हमने तो अपने को बंद कर लिया था। बस ये कहानी सही सारी। तो कितनी देर संघर्ष रहा सर इसमें? संघर्ष चला होगा कम से कम 10-12 मिनट। 10-12 मिनट अंदाजा। अब देखिए घड़ी उड़ी तो देखी नहीं मैं, आपका दिमाग पागल सा हो जाता है ऐसे में, आदमी जो सही बात होता है वो भी भूल जाता है ऐसे में तो, लेकिन 10 मिनट तो लगे ही लगे थे करीब करीब। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई है जी? पुलिस की तरफ से क्या हुआ जी? मैंने जैसे ही वो बाहर गया तो फौरन 100 नंबर पे फ़ोन करा, मैंने कहा मेरे साथ ऐसा, तो पहली बार मैंने देखा कि पुलिस वाले बेचारे फौरन आ गए, इतना मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आ गए और काफ़ी लोग आए, इवन DSP साहब भी आ गए, क्या नाम उनका, अश्वनी। पूरा मामला हिसार के सेक्टर 15 का है, जहां डॉक्टर एस के अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। मामले की खबर मिलते ही DSP समेत पूरा पुलिस महकमा उनकी मदद के लिए पहुंचा और उनसे बातचीत कर अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया। तो शाम को हमारे पास 8:30 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी, उनके घर पर बदमाश घुस गया और कोई पिस्टल वगैरह से वार किया, तो हम मुख्य पहुंचे, वहाँ DSP साहब भी आए थे, SHO साहब भी आए थे, तो फुटेज वगैरह देखी कुछ धुंधली धुंधली आ रही है। अभी भी मैं वहीं मौके से जाके आया हूँ तो सारे CCTV कैमरा देख रहे हैं अगर कोई सुराग चलता है तो, अदरवाइज कोई मोबाइल डंप वगैरह अगर नहीं मिलती है कोई कैमरे की तो डंप वगैरह से कोई इनको तलाशने का प्रयास करेंगे। आप जानकारी मिली कि लगभग कितने बंदे को बता रहे हैं वो? वो दो बंदे बता रहे हैं, उनके साथ दो भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, अभी जांच चल कर रहे हैं, अभी कितने आदमी है, कोई फुटेज वगैरह हमारे पास आ जाती है और पता लगेगा, कर देंगे इसको ट्रेस।
बहरहाल डॉक्टर एस के अग्रवाल को लुटेरे के साथ किए गए संघर्ष में काफी चोट आई है। उधर पुलिस भी अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि बुजुर्ग दंपति ने इस उम्र में जो बहादुरी दिखाई, ऐसे हालात में वो काबिले तारीफ है। जरूरी है कि सभी सावधान रहें ताकि इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जा सके। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।